अच्छा लगता है करनाला की हमेशा, क्योंकि हमारा करनाल से क्रिकेट का भी बहुत अच्छा रिलेशन है। यहाँ से हमारा दोस्त है सुनील राणा, उसकी अकेडमी है यहाँ पे राणा ब्रदर्स, तो वहाँ पे हम खेलने के लिए आते रहते हैं। बट करनाल इससे पहले मैंने बताया कि हमें हरियाणा और पंजाब में कभी डिफरेंस नहीं दिखा। ऐसा अनुभव रहा, एक तरफ भाई इंडस्ट्री के बॉलीवुड के और दूसरी तरफ पंजाब बॉलीवुड के। अभी मैं उस फिल्म के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, बट मैं सलमान भाई के बारे में जो आपने बोला कि बड़े भाई हैं सारी इंडस्ट्री के, और जब मैं उनको मिला तो मेरे लिए बड़े भाई की तरह। करनाला के हमको हर बार अच्छा लगता है, जैसे जस्सी ने बताया कि इस शहर से हमारा बहुत पुराना नाता है, हमारा दोस्त है यहाँ पे, हम क्रिकेट खेलने के लिए भी आते रहते हैं, हम दिल्ली बहुत जाते हैं शोज के लिए, तो हम करनाल में कोशिश होती है कि रुक के जाएं। तो जितनी बार भी हमने यहाँ काफी दफा परफॉर्म किया, जितनी बार भी हम आते हैं बहुत ही मतलब वेलकमिंग होता है क्राउड यहाँ पे, बहुत मजा आता है परफॉर्म करके। पंजाब और हरियाणा के क्राउड में कोई फर्क नहीं है, सब लाउड है, सब दिल से नाचते हैं, सुनने आते हैं, मजा आता है। बड़ा अच्छा लगता है करनाल आके हमेशा, क्योंकि हमारा करनाल से क्रिकेट का भी बहुत अच्छा रिलेशन है। यहाँ से हमारा दोस्त है सुनील राणा, उसकी अकेडमी है यहाँ पे राणा ब्रदर्स, तो वहाँ पे हम खेलने के लिए आते रहते हैं। बट करनाल इससे पहले ही मैंने बताया कि हमें हरियाणा और पंजाब में कभी डिफरेंस नहीं दिखा और ना कभी फर्क दिखा, क्योंकि यहाँ के लोग उतने प्यारे हैं जितने पंजाब के, तो बड़ा मजा आता है हमेशा। मैं मुझे लगता है चौथी पांचवीं बार यही इस लोकेशन पे आया हूँ और हर बार मजा आता है। ये जो आप फील कर रहे हो हम सब भी वही फील कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज एक ऐसी चीज हुई है जिसने हम सबको हिला के रख दिया है। मतलब इसमें हर बच्चे बच्चे को इस चीज का दुख है, और हमारी इंडस्ट्री मतलब जो हमारा काम है उसका इसके है ही नहीं, मतलब दोनों का तालमेल ही नहीं है, क्योंकि हम तो एंटरटेन करते हैं लोगों को। तो मतलब जब भी कोई भी ऐसी घटना होती है तो मतलब खुद को भी हमारे फैमिली को सबको बहुत इस चीज का दुख है और डर भी है इस चीज का। मैंने आपको पहले ही बताया हम सब उसके म्यूजिक को बहुत एंजॉय करते थे, और एक बहुत बड़ा कलाकार खोया है पंजाबी इंडस्ट्री में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, और इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और जो भी होगा जो भी गुनहगार होंगे उनको। बबल दादा लीड रोल कर चुके हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा अनुभव रहा एक तरफ भाई इंडस्ट्री के बॉलीवुड के और दूसरी तरफ पंजाब बॉलीवुड के। अभी मैं उस फिल्म के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, बट मैं सलमान भाई के बारे में जो आपने बोला कि बड़े भाई हैं सारी इंडस्ट्री के, और जब मैं उनको मिला तो मेरे लिए बड़े भाई की तरह। करनाल आए हैं, मिलता जुलता शहर है, मिलता जुलता राज्य है, किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं नए नए युवा, और उन्हें क्या कुछ कहना चाहेंगे कि फूहड़ता की तरफ ध्यान ना देकर कुछ अच्छा निकाला जाए। जी बिल्कुल, आपने खुद ही बता दिया जो मैं भी कहना चाहता हूँ। पर करनाल आके हमको हर बार अच्छा लगता है, जैसे जस्सी ने बताया कि इस शहर से हमारा बहुत पुराना नाता है, हमारा दोस्त है यहाँ पे, हम क्रिकेट खेलने के लिए भी आते रहते हैं, हम दिल्ली बहुत जाते हैं शोज के लिए, तो हम करनाल में कोशिश होती है कि रुक के जाएं। तो जितनी बार भी हमने यहाँ काफी दफा परफॉर्म किया, जितनी बार भी हम आते हैं बहुत ही मतलब वेलकमिंग होता है क्राउड यहाँ पे, बहुत मजा आता है परफॉर्म करके। पंजाब और हरियाणा के क्राउड में कोई फर्क नहीं है, सब लाउड है, सब दिल से नाचते हैं, सुनने आते हैं, मजा आता है। फैशन शो के साथ साथ जो सिंगिंग आज पहला ये परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा? जी सर, मेरा ये मुझे हो गए सर 12 साल गाते हुए, मेरा पहला परफॉर्मेंस नहीं था सिंगिंग का, हाँ फैशन के साथ। जी जी जी, सॉरी मुझे गलत लगा आपका क्वेश्चन, गलत समझा मैं, पर बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस था। आप लोगों को कैसी लगी हमारी परफॉर्मेंस? ABP सोचा, जोश, जज्बा, जुनून।